बिच्छू के नाम से, जो सफ़ेद बिच्छू के नाम से ज़्यादा ही भयंकर और ख़तरनाक साबित होता है, उसने इसको डसा है। उसके बाद हमको जो एक सांप होता है उसने भी पूरे तरीके से उसका भी सामना करना पड़ा, उससे भी यही राशि दली जी। उसके काले पहाड़ का पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद पूरी पड़ताल के बाद हमने पूरा इतिहास आपको दिखाया, सभी तथ्य सामने रखे, क्या सच्चाई है मेवात का काले पहाड़ के नाम से जो जाना जाता है, इसका एक ऐसा इतिहास रहा है और अभी भी वहाँ चरवाहा किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और वहाँ काले पहाड़ की चोटी पर एक तालाब जो बनाया गया था दरअसल उसका इतिहास भी हमने आपको दिखाया, और उसके कुछ रोचक तथ्य रोचक जानकारी हमने आपको दी, पूरा सर्वे हमने आपको दिखाया। कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं डीटी न्यूज़ की टीम आज। पूरी पड़ताल करने के बाद नीचे का ये नज़ारा है फिरोजपुर की तरफ का, जो नीचे का बिल्कुल सतह पर हम लोग पहुंच चुके हैं। ये हमारे साथ वो नौजवान है जो बहुत योद्धा हैं, 1 2 3 4 5 6 इन लोगों ने, ये नौजवान हैं, इन्होंने जितनी मेहनत की कड़ी मेहनत के बाद इनकी स्पोर्ट के सहारे से इनकी मदद की वजह से ही हम लोगों ने ये पूरा सर्वे किया, इनकी वजह से ही हम लोग पूरा सर्वे कर पाए और जो पड़ताल की इनकी वजह से सब कुछ संभव हो पाया। दाद देनी पड़ेगी इनकी हिम्मत की, क्योंकि इसकी वजह से पूरे सफ़र में हम लोगों को जो डर था, जिसका मैं आपको बार बार आगाह कर रहा था, उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। दो जगह हादसों के शिकार हुए, जो ये राशिद अली जी जो हमारे साथ लगातार पूरे सर्वे में साथ रहे, एक जो जानवर था वो पूरे तरीके से, जो कीड़ा था वो पूरे तरीके से इसको यहाँ पे डस चुका था, और उसके बाद यहाँ बांध लगाना पड़ा, जो एक जहरीला कीड़ा होता है जिसको क्या नाम उसको बोलते हैं, सफेद बिच्छू के नाम से, जो सफ़ेद बिच्छू के नाम से ज़्यादा ही भयंकर और ख़तरनाक साबित होता है, उसने इसको डसा है। उसके बाद हमको जो एक सांप होता है उसने भी पूरे तरीके से उसका भी सामना करना पड़ा, उससे भी यही राशि दली जी। उसके सर किस तरीके से आपने जो आपके साथ ये हुआ था ये हादसा, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जो जब मैं चल रहा था तो रास्ते में तो मुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो सफ़ेद रंग का था, पत्थर भी सफ़ेद थे, उनकी वजह से मुझे दिखाई नहीं दिया। तो मैंने पैर रखा तो एकदम डंक मारा तो ऐसा लगा जैसे कोई कील लगती है ना कोई, तो इसमें एकदम से झंझनाहट जैसे करंट लगता है, मतलब ऐसा महसूस होने लगा। तो मैंने देखा घूम कर तो टॉर्च थी मेरे पास, तो मुझे तो बाद में दिखाई दिया, आपके पत्रकार साथी जो आपके साथ हैं उनको दिख गया था, वो बोले बिच्छू है, फिर मैंने देखा तो मैंने भी भागते हुए उसको देख लिया, लेकिन वो भाग तो गया। हाँ भाग गया वो, लेकिन उसके तो, बाद दूसरा जो नजारा तो हमें उससे थोड़ी आगे चलने के बावजूद फिर एकदम से मेरा पैर एक सांप के ऊपर पड़ने वाला था, तो मतलब तो मुझे दिख गया था पैर टेकने से पहले, तो मैंने अपना पैर एकदम साइड में रखा। कैसा सांप है वो, कैसा साबित होता है अगर काट लेता है तो? उसको कोलगंडियाला सांप बोलते हैं, उसके अंदर काफ़ी जहर होता है, मतलब जो ये अपना एक कोबरा होता है ना, कोबरे से भी खतरनाक होता है, लेकिन कोबरा तो एक देखने में ही मतलब डेंजर दिखाई देता है, बाकी वो भी उससे कम नहीं। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इतना साथ देने के लिए। देखिए सर अभी वक्त रात का वक्त है और लगभग 8:26 हो रहे हैं, 4 से 5 घंटे के पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पूरा इतिहास काले पहाड़ का हम लोगों ने आपको दिखाया, और जो रोचक जानकारियां थी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की, और जो ये नौजवान हैं इनकी वजह से ही सब कुछ संभव हो पाया है राशिद अली जी, और ये नौजवान हमारे साथ रहे पूरा, ये यहाया साहब हैं और भी ये भाईजान हमारे साथ थे, इनकी वजह से ही सब कुछ संभव हो पाया है, इनके साथ की वजह से हमने पूरा सर्वे किया। जंगली जानवर और जंगली कीटनाशक जो पूरे तरीके से जो डंक मारने वाले जो बिच्छू टाइप के जो सांप टाइप के कुछ ऐसे कीटनाशक होते हैं उनकी वजह से भी यहाँ पूरा अंदेशा बना रहता है। सभी सर्वे में हमने पाया, पूरा इतिहास दिखाया, आगे भी कोई जानकारी और कोई तथ्य कोई ऐसे रहस्यमय इतिहास के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डीटी न्यूज की टीम तत्पर आपके साथ खड़ी है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।